फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम था। काम तो था ही, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है तो खाना बनाना मुश्किल हो जाता है रात को, और बस ऑनलाइन ऑर्डर कर दो और खा के सो जाओ। अकेली ही हूँ, ज़्यादा कुछ बनाने तो नहीं पड़ता, और दिन में बनाती हूँ पर दिन में बहुत ज़्यादा काम रह जाता है, बाहर का काम रह जाता है, इसीलिए बन नहीं पाता मुझसे वीडियो। तो रात को ही मैं वीडियो जब भी बनाती हूँ रात को ही बनाती हूँ। और आज क्या है कि बहुत दिनों बाद मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बनाएं, क्योंकि मैं तो रात को खाना ही नहीं बनाती थी। रात को खाना बनाऊँ तभी तो वीडियो बनाऊँगी ना। तो आज सोचा कि एक अलग तरीके की रेसिपी बनाई जाए। अलग वैसे नहीं है, बहुत ही कॉमन रेसिपी है, आलू मटर की सब्जी। आलू मटर की सब्जी आप लोगों ने बहुत तरीके से खाया होगा, बिल्कुल ही खाया होगा, पर मैंने आज एक अलग तरीके से बनाया है। तो आज आप लोग मेरे साथ बनाना सीखिए आलू मटर की सब्जी कैसे बनाई जाती है, और मेरे तरीके से सीखिए, क्योंकि मैं आज बहुत ही मतलब अनोखे तरीके से बनाने वाली हूँ। और जब आपको पसंद आ जाएगा वीडियो, आएगा ही, पसंद तो आएगा ही आप लोगों को मेरी वीडियो, अगर पसंद आ जाएगा तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और पास वाला जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं आलू मटर की सब्जी, और आलू मटर की सब्जी देखते देखते आप एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी घर पे। बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सिंपल है, सबको पसंद है आलू मटर की सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और वीडियो को एंजॉय कीजिए मेरे। तो पहले गैस ऑन करके कढ़ाई को गरम कर दीजिए, और उसके बाद थोड़ा तेल डाल के उसे भी गरम कर दीजिए। तेल के गरम होने के बाद एक हरी मिर्च इसमें डालिए, और फिर लगभग एक चम्मच जीरा। जीरा को डालने के बाद आप कटी हुई प्याज डालिए। यहाँ पे मैंने एक ही मीडियम साइज का प्याज लिया है। प्याज को थोड़ा पकने दीजिए, उसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। इन दोनों को मिला के एक मिनट तक पकाएं। फिर इसमें आप कटी हुई टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा वाला टमाटर लिया है क्योंकि मुझे टमाटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और अभी ठंड के सीज़न में बहुत ज़्यादा टमाटर भी मार्केट पे अवेलेबल है। अब इसके बाद आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, इसको अच्छे से मिला लीजिए, और थोड़ी देर पकने के बाद आप इसमें लगभग एक चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच। इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और इसको पकने दीजिए थोड़ी देर। अब इसमें आप जो ग्रीन मटर है इसको डाल दीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, और थोड़ी देर के लिए लगभग डेढ़ से दो मिनट तक छोड़ दीजिए इसे गैस पे। अब इसमें धनिया पाउडर एक चम्मच डाल दीजिए, इसको अच्छे से मिला लीजिए। धनिया पाउडर बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लाता है किसी भी सब्जी पे। अब हम मिलाएंगे इसमें आलू। यहाँ पे मैंने चार आलू इसको बॉईल कर दिया था और इसको छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में काट दिया है, और अब इसको मिला लीजिए अच्छे से। उसे थोड़ा कवर करके अब
अब गैस के फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 मिनट बाद ऐसे ढक्कन हटा के देखिए, आपकी आलू मटर की सब्जी बन चुकी है। अब इसमें आप लास्ट में 1 चम्मच, मैंने यहाँ पे लिया है टोमेटो सॉस, और 1/2 चम्मच इसमें सोया सॉस, इन दोनों को मिला के आप इसमें आलू मटर पे डाल दीजिए। सॉस डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लीजिए और ऐसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे छोड़ दीजिए गैस पे, उसको कवर करके। देखिए 2-3 मिनट बाद आपकी सब्जी बन चुकी है। दिखने में ज़्यादा लाजवाब लग रहा है, जिस तरह से खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिए और इस तरह से बनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।